नमस्ते दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, नमक, शक्कर और इमली जैसे कई पदार्थों का उपयोग करते हैं। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थ का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन होता है। तो आइए देखते हैं क्यों। तो इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक क्या होता है, हम कुछ प्राकृतिक सूचकों के बारे में पढ़ेंगे, हम सीखेंगे कि उदासीनीकरण क्या होता है और दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। अम्ल और क्षारक, क्या आपने कभी सोचा है कि दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा क्यों होता है? यह इसलिए होता है क्योंकि इन पदार्थों में अम्ल होता है। इसी कारण से इन पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। उदाहरण के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हैं। और उसी ओर ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इसी कारण से इन पदार्थों की रासायनिक प्रकृति क्षारकीय होती है। उदाहरण के लिए हम बेकिंग सोडा ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं सूचक क्या होते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियां और लिटमस आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक, इसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग माव नीलाश्रोण होता है। क्षारकीय विलयन में यह नीला रंग दिखाता है, उसी ओर अम्लीय विलयन में यह लाल रंग दिखाता है। सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प, गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियां को एक बीकर में रखें। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाएं। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगीन न हो जाए। यह रंगीन जल सूचक के रूप में काम आएगा। यह सूचक अम्ल विलयनों को गहरा गुलाबी, मजेंटा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। तो आइए अब हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण के बारे में। इस क्रियाकलाप में हम फिनोफ्थलीन नामक एक सूचक का उपयोग करेंगे। जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोफ्थलीन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं तथा अम्ल और क्षारक दोनों की प्रकृति लुप्त हो जाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण के तीन प्रकार होते हैं, पहला अम्लीय, दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। उदाहरण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से हमें प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड NaCl और जल और ऊष्मा। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण, अपाचन। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यह अम्ल भोजन पचाने में हमारी सहायता करता है। इसके अधिक होने के कारण
अपाचन होता है। इससे मुक्ति पाने के लिए हम दुधिया मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, लेते हैं, जो कि अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। चींटी का डंक। चींटी के डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। मृदा उपचार। मृदा अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के कारण अत्यधिक अम्लीय हो जाता है, तो उसे बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं जो अम्ल निर्मुक्त करके उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कारखानों का अपशिष्ट। कारखानों के कचरे में अक्सर अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यह कचरा सीधा जलाशयों में बहकर अन्य जल जीवों को हानि पहुंचा सकता है, अतः कचरे को नदियों व जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। इस पाठ का सारांश। तो हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा और उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। हमने यह भी पढ़ा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। हमने यह भी सीखा कि वह पदार्थ जो न तो अम्लीय और न ही क्षारकीय होते हैं, उन्हें उदासीन कहते हैं। ऐसे पदार्थ के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। और यह पाठ इसी के साथ समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।